Subscribe to my channel, it's free to subscribe, and also press the bell icon so you never miss out my any video. Thank you beautiful, stay blessed. Hey guys, what's up? मैं हूँ अनन्दिता एंड वेलकम टू माई चैनल. आज मैं आप लोगों के साथ मेरा एक बहुत ही बढ़िया सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ. वो सीक्रेट जो शायद आप लोगों को लाइफ के बदल के रख दे, वो है कि पिंपल. पिंपल हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है. शायद आज आप लोगों को मेरा चेहरा देख करके मालूम नहीं चलेगा, पर एक टाइम पर मेरे पूरा दोनों चीक पर पूरा पिम्पल पूरा भरा हुआ था. मतलब आज आप लोग मेरे स्किन को देख सकते हैं जो आज है, पर ऐसा नहीं था. हाँ, मेरा फोरहेड पे पिंपल का प्रॉब्लम नहीं था, पर मेरा चीक पूरा का पूरा पिंपल से भरा हुआ था. कोई भी फंक्शन में जाती थी या कुछ भी जहाँ पे फोटो लेने की बात होती थी, मैं ऐसे पीछे जा कर के खड़ी हो जाती, जैसे कि मेरा यहाँ तक आए, नीचे के पोर्शन नहीं आए, तो ये पिंपल ना दिखे. तो ये पिंपल की वजह से मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ही ज़्यादा लो हो गया था, क्योंकि अगर हम लोग अच्छे दिखेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल उसके साथ ही बढ़ता है, तो वो भी मेरा बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था. तो ये पिंपल हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं. ऊपर से अगर हम लोग कोई भी मेकअप करने के लिए जाते हैं तो सोचते हैं कि एक तो मैं तो जैसे हमेशा बोलती हूँ कि मेरे सेंसिटिव स्किन है, तो एक तो सेंसिटिव स्किन है, ऊपर से पिंपल है, तो इसके ऊपर क्या लगाऊँ क्या नहीं लगाऊँ. तो आज मैंने बस ओनली लिपस्टिक का अप्लाई किया है, मैंने अपने फेस के ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं किया है. तो जैसे मैं उस टाइम बहुत सोचती थी कि मेकअप करूं या नहीं करूं, ऐसे ही रहने दूं, तो उसके ऊपर मुझे मेकअप करने से भी डर लगता था, तो जिसके वजह से मैं और भी ज़्यादा बुरी दिखती थी. तो उस टाइम मतलब मुझे बाहर जाने के लिए भी एक टाइम पे मतलब मेरे लिए डर सा बैठ गया था कि हाँ बाहर जाओ, लोग दिखेगी, ऐसी फेस लेकर के कैसे बाहर जाओ, कैसे क्या करूँ. तो आज मैं उस प्रॉब्लम से निकल गई हूँ. तो जो सीक्रेट है जो मुझे इस प्रॉब्लम से बचाया है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. मैं मेरे एक आंटी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ जिसने मुझे ये रेमेडी बताई. तो वो रेमेडी बनाने कोई भी बनाने के लिए आप लोगों को नहीं चाहिए, बस आप लोगों को घर में वो नॉर्मल सा रहता है, आप बस उसको ओवरनाइट को लगा करके अप्लाई करके सो जाइए. सुबह को फेस को बस वॉश कर लीजिए ठंडे पानी से, या कोई भी हल्के वार्म पानी से आप फेस को वॉश कर लीजिए. तो कुछ मानो तो 3 दिनों से ही आपका उसका इफेक्ट देखना स्टार्ट हो जाएगा. एक टाइम पे मैंने भी बहुत सारी क्रीम वगैरह लगाया, डॉक्टर के पास गया, बहुत कुछ अप्लाई की वो पिंपल को कम करने के लिए, पर वो पूरी तरह से नहीं गया. अगर डॉक्टर के पास जाने के बाद वो पिंपल तो चला गया, पर उसका स्पॉट रहने लगा. पर ये जो रेमेडी है ये यूज़ करने के बाद मेरा बाकी का पिंपल के साथ साथ मेरा स्पॉट भी चला गया, और आज आप लोग मेरे स्किन को देख सकते हैं. वो जो रेमेडी है वो है कि ये पैराशूट का हेयर ऑयल है, पर इसमें एंटीबैक्टीरियल कुछ फॉर्मूला है जो आपको पिंपल को पूरी तरह से ठीक करने के लिए ये काफ़ी है. बस ये एक ऑयल, कोई भी मिलावट कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं. बस जहाँ पर भी आपका पिंपल है वहाँ पर थोड़ा सा ऐसे ऑयल लीजिए, वहाँ पर लगा लीजिए, और ओवरनाइट के लिए सो जाइए पूरा रात के लिए. सुबह उठ करके फेस को वॉश कर लीजिए. ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल भी है. अगर आप ये बड़ा वाला नहीं ले सकते तो ये छोटे वाले ले सकते हैं. ये बस ओनली 50 ml का है, इसका प्राइस ओनली 20 rupees है. तो ये 20 rupees मतलब बहुत ही ज़्यादा ये अफोर्डेबल भी है. तो आपका कोई भी आपका नेबर में जो भी शॉप है उसमें ये आपको आसानी से मिल जाएगा कहीं पर भी. तो 20 rupees बस इन्वेस्ट कीजिए, कोई भी ज़्यादा पैसा नहीं. तो बहुत ही अफोर्डेबल वाला ये फॉर्मूला है. इसको लगा करके एक बार अप्लाई करके देखिए, मेरे बात को मानकर आपको रेमेडी मिलेगी ही मिलेगी. आज मैं ये फॉर्मूला आप लोगों के साथ शेयर करके बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ. हाँ, रेमेडी मिलने के मतलब आप लोगों का पिंपल भी कम होने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना, ये बिल्कुल मत भूलना कि मेरे ये रेमेडी आप लोगों के लिए कितना काम आया. तो इसको ज़रूर एक बार अप्लाई करके देखिए, मेरे ऊपर तो बहुत काम आया. अगर मुझे आज एक भी पिंपल आ जाते हैं मैं कुछ भी नहीं सोचती, कोई भी कीन डॉक्टर कुछ भी नहीं, बस ये ऑयल थोड़ा सा लेती हूँ और लगा लेती हूँ, बस टूट जीते से छोटा हो जाता है, फिर उसके कम हो जाता है, उसके साथ साथ ये स्पॉट भी चला जाता है. आज मेरे फेस के ऊपर जैसे कोई भी स्पॉट नहीं. तो मैं ऐसे ही कभी भी मैं
कभी कभी मैं मेकअप भी नहीं करती, मैं ऐसे ही आजकल बाहर निकल सकती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ऐसा ही आगे बढ़ता रहे। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, तो मैं आगे भी ऐसे ही छोटी छोटी रेमेडी लेकर के आप लोगों के लिए आ सकूँ। तो आज के लिए यही तक, मैं जल्दी हाजिर होंगी मेरे नए वीडियो के साथ, तब तक टाटा।